हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि गूगल क्रोम से रिलेटेड है, और यहां पर तीन लेटेस्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि आप 2021 में इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसका कोई भी काम नहीं पड़ता, इसका आपके डेली लाइफ में हमेशा काम पड़ता है। जब भी आप ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, कोई बुक्स पढ़ते हैं, कोई पीडीएफ पढ़ते हैं, तो तीन ट्रिक है जो कि क्रोम से रिलेटेड है, गूगल क्रोम से। ये मैं आपको बताने वाला हूं, आपको बिल्कुल पता नहीं होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर को अपडेट कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में जाइए और देखिए वहां पर अपडेट अवेलेबल होगा और उसको अपडेट कर लीजिए ताकि ये जो नई ट्रिक्स हैं ये आपके गूगल क्रोम में आ जाएं और आप आसानी से मेरे से ये सीख के और अप्लाई कर पाए। यहां पर क्रोम जो है वो अपडेट हो चुका है। अब यहां से कर लेते हैं ओपन। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि जो फोन मैं दिखा रहा हूं उसका थोड़ा बैक कवर दिखा देना, मुझे जो समझ में आया तो यहां मैं बैक कवर दिखा देता हूं। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था सिर्फ 110 रुपए में और फ्री डिलीवरी में ये आ गया था, और बैक कवर काफी ज्यादा अच्छा है और ये फोन कई बार गिर चुका है और इस बैक कवर की वजह से ही ये बचता भी है। तो दोस्तों यहां पर ये देखिए ब्राउजर अपडेट हो चुका है और यहां पर एक वेबसाइट मैंने खोल ली है ताकि आपको मैं एक एग्जांपल से समझा पाऊं। यहां पर आपको तीन विंडोज दिखाई दे रही होंगी, यहां पर जाना है, यहीं पर सारी सेटिंग होती है, लेकिन ये तीनों जो सेटिंग है आपने कभी यूज नहीं की होगी और बिल्कुल नई है। पहली सेटिंग क्या है, पहली सेटिंग में आपको बता देता हूं कि अगर जैसे कि ये आपने कोई वेबसाइट खोल रखी है, नीचे तक काफी सारे कंटेंट है और आपको कुछ स्पेशल चीजें ही ढूंढनी है और आप नीचे नहीं जाना चाहते, आप देखना नहीं चाहते, आप ढूंढना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, तो इसमें तो गूगल क्रोम में एक फैसिलिटी दी होती है कि पूरे पेज पर कुछ भी आप सर्च करिए वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहां पर जैसे कि पूरे पेज पर मैं सर्च करना चाहता हूं 2021, तो मेरे पूरे पेज पे 14 जगह 2021 लिखा हुआ है। इस पूरे पेज पे जो दिखाई दे रहा है स्क्रॉल करने पर जो दिखाई देगा 2021 14 जगह लिखा हुआ है, कहां कहां ये पीली लाइन बनी हुई है। तो आपको जाना है तो आप सीधे उसी जगह चले जाएंगे 2021, फिर यहां पे 2021, फिर यहां पे 2021, नीचे आएंगे तो यहां पे 2021 2021। इस तरह से अगर आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, कोई भी पीडीएफ खोलते हैं या कोई भी बुक खोलते हैं तो आप उसके अंदर कोई भी स्पेशल चीज है उसको यहां पर टाइप कर सकते हैं और सीधा ये आपको वहां पर ले जाकर छोड़ देगा। ये बहुत ही स्पेशल फीचर्स है जो कि काफी लोग यूज नहीं करते और नया आया हुआ है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अब मैं आपको एक और नई चीज दिखाता हूं। ये मेरा जो ब्लॉग है हिंदी में, अगर बाई चांस किसी ने इसको खोल लिया और उसको पिक्चर से समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत इंग्लिश से समझ में आ रहा है, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में इसको पढ़ना चाहता है, तो पूरे ब्लॉग को वो एक एक करके कहीं कन्वर्ट नहीं करेगा। क्रोम में ही एक फीचर दिया है ट्रांसलेट का, आप किसी भी दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में मेरे पूरे ब्लॉग को या किसी भी ब्लॉग को कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहां पर ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, मोर लैंग्वेज में जाएंगे तो बहुत सारी आपको लैंग्वेज मिलेंगी। आपको मान लीजिए इंग्लिश का लोग ज्यादा उपयोग करते हैं, मैं इंग्लिश कर देता हूं। अब ये देखिए मेरा पूरा जो ब्लॉग है वो पूरी तरह से इंग्लिश में हो गया है, जो भी हिंदी में जहां पे लिखा हुआ था वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से ये किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसीलिए बहुत अच्छा ब्राउजर माना जाता है। अब मैं आपको एक और बताता हूं, अब यहां पर ये कोई भी लैंग्वेज में देखता हूं कि किसी और लैंग्वेज में, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि उर्दू हो जाए तो उर्दू में देखते हैं क्या होता है। अब ये देखिए मेरा पूरा जो ब्लॉग है वो उर्दू में हो गया है, कोई भी इसको उर्दू का जानकार पढ़ सकता है क्लिक करके। अब ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरा ये पूरा आर्टिकल कोई भी पढ़ सकता है, पूरा उर्दू में लिखा हुआ है और बिल्कुल अच्छी तरह से कन्वर्ट हुआ है। अब इस पेज पे हमें आना है तो दोबारा से हमें करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं उर्दू में कर देता हूं। अब ये देखिए उर्दू में आराम से इसको कोई भी पढ़ सकता है, ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। आप किसी भी देश की कोई भी वेबसाइट अगर अच्छी लग रही है, इंग्लिश में है तो हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं, जहां भी जानकारियां अच्छी हैं आप पढ़ सकते हैं।
पीडीएफ फाइल कोई खोल रखी है, कोई बुक्स खोल रखी है, सभी को ये आसानी से बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर से ये कन्वर्ट करता है और आप इसको पढ़ सकते हैं। एक फीचर और दिखा रहा हूं मैं आपको, बहुत ही वो भी कमाल का फीचर है, बहुत अच्छा है। अगर आपके फोन में बहुत ज्यादा डेटा खर्च होता है, बहुत ज्यादा डेटा खर्च हो जाता है और उसको आप कम करना चाहते हैं, तो हमेशा लाइट मोड पे रखिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा, एक तो आपका डेटा कम खर्च होगा, दूसरा ये है कोई भी साइट है वो बहुत ही जल्दी स्पीड से ब्राउज हो जाएगी, आपके सामने खुल के आ जाएगी, देर नहीं लगाएगी, चाहे इंटरनेट स्पीड कैसी भी हो। ये जो तीन फीचर है ये काफी ज्यादा नए हैं, काफी ज्यादा कमाल के हैं। इसके अलावा तो क्रोम में बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन अधिकतर आपको मालूम होंगे। साथ ही मैं अगली कोई वीडियो में आज के अच्छे अच्छे जो और भी फीचर्स हैं वो भी आपके सामने ले आऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ये हमारी वेबसाइट है, यहां पर भी आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिल जाती हैं, आप यहां पर जाके देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है techandsocial.com और यहां पर आप जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।